सब्सक्राइब कीजिए टेक ट्यूब हिंदी यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और अभी आप देख रहे हैं टेक ट्यूब हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा थीम सेटअप लेकर आया हूँ जिससे यदि आप अपने फ़ोन में अप्लाई करते हैं तो आपका फ़ोन और सभी फ़ोन से थोड़ा अलग और खूबसूरत दिखेगा और इस थीम सेटअप को आप किसी भी फ़ोन में अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है और साथ ही आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस थीम को अपने फ़ोन पर अप्लाई करने के लिए आपको चार फाइल डाउनलोड करनी होंगी जो कि है नोवा लंचर, नोवा बैकअप फाइल, KLWP ऐप और KLWP थीम फाइल। चारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चारों को डाउनलोड कर लेना है और नोवा लंचर और KLWP थीम ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। अब सबसे पहले आपको नोवा लंचर को ओपन करना है, इसके बाद आपको ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर जाना और यहाँ से नोवा बैकअप फाइल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अब आपको ऊपर की तरफ स्वाइप करना है और यहाँ से नोवा सेटिंग्स में चले जाना है। अब आपको सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देना और यहाँ से नोवा लॉन्चर को डिफ़ॉल्ट लॉन्चर सेट कर देना है। इसके बाद फिर से आपको ऊपर की तरफ स्वाइप करना और KLWP ऐप को ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद आपको ऊपर दिख रही थ्री लाइंस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको लोड प्रीसेट पर क्लिक कर देना है। अब आपको ऊपर फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको डाउनलोड के फोल्डर में जाकर उस थीम फाइल को सेलेक्ट कर लेना है जो हमने डाउनलोड की थी। अब आपको ऊपर दिख रहे एक्सपोर्टेड पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको स्केल 4KLWP थीम पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिक्स नाउ पर क्लिक करना और यहाँ से कैलेंडर और नोटिफिकेशन एक्सेस को फिक्स कर देना है। अब यहाँ पर आपको दिख रहे फ़ोन वगैरह के ये ऑप्शन भी वर्क नहीं करेंगे तो आपको इन्हें भी पहले से फिक्स कर लेना है। इसके लिए आपको सबसे पहले इस फ़ोन वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से एडिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको फ़ोन सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे ही मैसेज वाले ऑप्शन को भी फिक्स कर देना है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको ऊपर दिख रहे सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से सेट एज वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से सेट एज होम स्क्रीन वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये थीम हमारे फ़ोन में अप्लाई हो चुकी है और ये अच्छे से वर्क भी कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।